एक बार सुनिए, हमने जो है ट्रैक्टर से एक टेलर बालू घर के आगे लाके रखा था, दो छोटे छोटे बच्चे बालू पर बैठ गए, दोनों ने अपने पांव को रेत में घुसाया और रेत का घर बनाया, बालू का घर बनाया, समझ गए? पैर को रेत में घुसाया, ऊपर से बालू रख करके पैर खींच लिया तो छोटा सा घर बन गया। तो बड़े बच्चे को शरारत सूझी, उसने छोटे बच्चे का घर तोड़ दिया, दोनों लड़ बैठे, दोनों ने एक दूसरे को घूसा मारा, गाली दी, यहां तक के छोटा बच्चा बहुत पिटा गया। छोटा होने की वजह से उसकी पिटाई ज्यादा हो गई, वो रोता बिलखता हुआ घर गया। माँ ने उससे रोने की वजह पूछी, तो रो रहे, उसने बताया कि फलां के बेटे ने सीने पर चढ़कर मुझे पाकिस्तानी चार मुक्का दिया, चार घुसा दिया। माँ तो एक नंबर बेवकूफ थी, कहने लगी, क्या तुमको मारा उसने? कहा हाँ हाँ मारा, सीने पर बैठ कर चार घुसा मारा है। अब उसी वक्त उसका बाप भी अंदर आ गया, माँ ने बाप को खूब भड़काया, बोला रे ये बेवा का बच्चा है क्या? तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बच्चे को पिटाई हो रही है। हाँ, माँ से भी बड़ा गधा था, घर गया लाठी निकाल के आ गया मैदान कारदार में और चैलेंजबाजी शुरू कर दी, आओ देख लेते हैं कितनी लाठियां हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे बाजू में कितनी ताकत है। दोनों तरफ से घमसान का रंग पड़ा, दो चार के इधर से फूटे, दो चार के उधर फूटे और सब थाने में पहुंच गए भाई यार करने। अब दारोगा जो है दुस्दीदा नजरों से देख रहा है कि इनमें मोटी मुर्गी कौन है जो अंडा देने के लायक है। देखा कि माशाल्लाह गांव का एक मालदार आदमी भी आ गया है और उसको वो किसी तरह से FIR में घुसाने के चक्कर में। अब आप बताइए कितनी बड़ी नादानी है, दो बच्चे के झगड़े को हम लोगों ने दो खानदान का झगड़ा बना दिया, दो बच्चे की छोटी सी लड़ाई से हमने दस्तखत पड़वा दिया, ये कितनी बड़ी हमाकत है, मैंने देखा है।